ये सुबह सुबह मैं गर्म पानी में थोड़ा सा हल्का आधी इसका आधी चम्मच डाल के हल्दी पीती हूँ खाली पेट में, तो ये शरीर के लिए अच्छे बोलते हैं। ट्रस्ट दिले नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मॉर्निंग रूटीन के बाद तो हमने सोचा चलो आज लोगो मोमो बनाती हैं, तो इसके लिए मैंने मैदा लिया। तो मैदा में हमने एक चम्मच यीस्ट डाला है, तो उसके बाद थोड़ा सा चुटकी भर नमक मिक्स किया, और उसके बाद एक छोटा टीस्पून से भी कम दी मैंने शुगर डाला है। तो इन सब सामग्री को आप अच्छी तरह से मिक्सअप कर मिक्स कर लीजिए। उसके बाद पानी जो डालता है ना वो लूक वार्म वाटर होना चाहिए, क्योंकि लूक वार्म वाटर से जो यीस्ट को थोड़ा एक्टिवेट होने में बहुत मदद मिलते हैं। तो ज़्यादा गर्म भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा गर्म होने से यीस्ट फटने का डेंजर होता है। तो बिल्कुल आपको लूक वार्म वाटर से ना उसको अच्छे से मैदा को गोंद लीजिए, और ये जो जो डो जो है ना वो आपको बिल्कुल थोड़ा सख्त बुनना पड़ेगा, क्योंकि रेस्ट करने के बाद ये ऑटोमेटिकली थोड़ा पतला हो जाता है। अब डो लगभग रेडी हो गया, तो उसको रेस्ट करने के लिए अच्छा से ढक्कन ढक के और गरम जगह में रखना चाहिए। गरम जगह रखने से क्या होता है ना उसको इसको थोड़ा एक्टिवेट होने में मदद मिलते हैं। तो चलो कहीं रख देते गरम जगह। तो लोको मोमो के साथ हमने सब्जी आज सोचा था वेजिटेबल के लिए, तो हमने ये ड्राई ब्लैक मशरूम है, तो ये स्विगी में तो मिल जाता है। अगर आप लोग दिल्ली में होगा तो आप मजनू का टीला टिबेटन कैंप में मिल जाते हैं, और शायद INAB में मिल सकते हैं। तो इसका जो है ना दूसरे दो तीन इंग्रेडिएंट्स है, तो मैं आपको धीरे धीरे सब बताऊंगी। तो इसमें हमने गर्म पानी डाला है, गर्म पानी डालने से ये थोड़ा जल्दी सॉफ्ट हो जाता है। ठंडा पानी डालने से आपको 3-4 घंटा रखना पड़ेगा। तो इसका सब्जी जो है ना वो बहुत डिलीशियस बनती है। चलो इसको ढक्कन ढक के साइड में रख देते हैं। और ये है दूसरी इंग्रेडिएंट, ये इसको बोलते हैं फिंग, तो राइस नूडल है। ये भी बहुत अच्छी सब्जी बनती है, इसके साथ मिक्स करने से बहुत बढ़िया सब्जी बनती है। गर्म पानी में उसको डुबो के रख देता हूँ, तो थोड़ा देर के लिए गर्म पानी में। ये जो ड्राई फंगस मशरूम जो मैंने भिगो के रखा है ना, कम से कम 1 घंटे हो गया, और देखिए ये कितने सॉफ्ट हो गया और क्वांटिटी भी बहुत ज़्यादा हो गया। तो उसको अच्छे से धो के अभी सब्जी में मिक्स कर लेता हूँ। चलो ये मशरूम अच्छी तरह से धोने के बाद इसको छोटे छोटे टुकड़े में काट लेते हैं, और इसको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, इसको जो है ना करा थोड़ा करा है, हार्ड है, तो उसको बाहर काट के फेंकना पड़ेगा।
सेचुआन पेपर्स। ये जो ऑनियन है ना, लास्ट में जब सब्जी जब पक जाएगा तो उसको ऊपर छिड़कने के लिए है। टमाटर वगैरह डाल देनी है। ये जो है ना, ये बिल्कुल साधारण है, सिंपल है। मेन इंग्रेडिएंट ये है, चिल्ली है। चिल्ली अगर आपको चाहिए तो चिल्ली डाल सकते हैं, नहीं तो नहीं डाल सकते, स्किप भी कर सकते हैं। और ये है तिंबुर साइजन पेपर एंड ये ग्रीन ऑनियन एंड ये जो ऑनियन और मेन ये है इसके साथ। और ये जाएगा, ये जो है ना अभी देखो काफ़ी हो गया, तो हम इसको वन स्पून है। जो ब्लैक फंगस मशरूम है ना वो डाल दिए हमने। अब सब्जी में पानी डाल दिए ना, कम से कम उसको 15-20 मिनट पकाएंगे थे, उसके बाद अब सब्जी। मैंने मैदे को रेस्ट करने के लिए रखा था ना, तो 1 घंटा मैंने करीब रखा था, तो ये बहुत अच्छे से एक्टिवेट हो गया है। देखिए ये देखिए कितना बढ़िया हो गया। तो मैं उसको अच्छी तरह से उसको दोबारा गोंद लेती हैं और 2-20 आलू को छोटे छोटे टुकड़ा काट के जो मशरूम का है ना, तो उसी में मिक्स करके अच्छे से उबालने दीजिए। अब हम सब्जी में फाइनल ये डाल रहे हैं राइस नूडल, इसको हम लोग बोलते हैं फिंग। तो ये डालने के बाद सिर्फ आपको 5 मिनट बॉईल करने दीजिए, उसके बाद सब्जी रेडी हो गया। तो मीन वाइल हम सलाद बनाते हैं। सलाद के लिए मैंने आज लिया पत्ता गोभी। पत्ता गोभी को ना छोटे छोटे टुकड़ा काट के तो गर्म पानी में थोड़ा ब्लीच करना पड़ेगा, उसके बाद हम सलाद बनाते हैं। थोड़ा सा टी लीव्स पानी मिला के साइड में रख दीजिए, बाद में लोगो मोमो में डालना पड़ेगा क्योंकि उसके कलर थोड़ा ब्राउनिश होने के लिए। और ये है लोगो मोमो के लिए 1 चम्मच तेल डाल के उसको ऑयल को थोड़ा धुआं आने दीजिए। अब हम लोगो मोमो को फाइनल दोबारा अच्छे से टच देते हैं उसको, और गोल गोल घुमा के अच्छे से टच शेप बना देते हैं। उसके बाद जो तेल हमने बैठाया है ना उसी में फ्राई करने हैं। अब नीचे बेस जो है ना तो लाइट ब्राउन हो गया, तो हम 2 कप पानी डाल के ढक्कन बंद करके उसको अच्छी तरह से उबालने दीजिए। और ज़्यादा ब्राउन करने से ना ये जल जाता है, तो इसे ये ध्यान देना पड़ेगा आपको। अब जो मैंने चापाती भिगो के रखा ना वही पानी इसी में डालते हैं हम, वो करीब 2 कप जितने हैं। तो उसके बाद उसको अच्छे से ढक्कन ढक के बॉयल करने दीजिए। अब हम सलाद के लिए तैयार करते हैं। प्याज, टमाटर, अदरक, ग्रीन चिली और ग्रीन लीव्स, ओनियन ग्रीन लीव्स और
ब्लीच किया हुआ कैबेज को है ना, वो अच्छे से स्क्वीज करके सलाद में मिक्स कर दीजिए। और डालिए हरी पत्ता का प्याज और थोड़ा सा हल्का सा ब्लैक सॉस, और अच्छे से मिक्स कीजिए। और ये देखिए हमारे लोगों मोमो कितने अच्छी तरह से फूल गया, और हमारे लोगों मोमो रेडी हो गया जी। हम अपनी लोकल डिश बनाया, इसको कहती हैं लोगों मोमो। और लोको मोमो मैंने प्रोसीजर आपको पहले दिखाया, तो उसी हिसाब से बनाने के बाद तो ये ऐसे ही हो जाता है और काफ़ी सॉफ्ट हो गया है। और देखो यहाँ से मैं आपको ऐसे खोल के देता हूँ, देखो कितनी स्पंजी स्पंजी हो गया, देखिए कितनी स्पंजी, बहुत स्पंजी हो गया। और ये जो है इसको जो मैंने फंगस मशरूम जो आपको दिखाया सुबह, इसका और ये पोटैटो का और ये राइस नूडल, इसको बोलते हैं फिंग, तो इसका मिला के सब्जी बनाया। और ये सलाद में मैंने कैबेज, टमाटर, ऑनियन एंड ग्रीन ऑनियन ये सब मिक्स करके बनाया। अब देखते हैं कैसे टेस्ट है, ओके तो देखते हैं। ओह बहुत स्पंजी है, बहुत यम्मी। और आप लोग सबको बहुत बहुत धन्यवाद मेरे ये बकवास चैनल को देखने के लिए, और आप लोगों का कृपा हमेशा हमेशा बने रहे मेरे ऊपर। और नेक्स्ट टाइम इससे भी और इंटरेस्टिंग ब्लॉग बना के आपके सामने पेश करूँगी। टिल देन सबको नमस्ते और बाय बाय।